students today we will discuss about the physical and chemical properties of carbon family first talking about the physical properties basically uh, all the members of carbon family are solid carbon silicon germanium tin and lead all are solid in nature next carbon or silicon Johan they are non metal germanium is only the metal which is metalloid

वी नो दैट प्लस टू ऑक्सीन सीन इनवियर एलिमेंट वेयर इनर्टर इज सी अगर प्लस फोर ऑक्सीडेशन की बात करें तो एक एटम के लिए चार इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना दैट इज वी नीड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दिसम फर्स्ट फोर आयोनाइेशन एनर्जीज इज वेरी हाई तो इट कांट बी पॉसिबल सो मेनली द का कंपाउंड ऑफ दीज कार्बन फैमिली मेंबर्स आर कोवलेंट इन नेचर इट इज बेटर टू रिमूव फोर इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन फोर इलेक्ट्रॉन्स इट्स बेटर टू शेयर फोर इलेक्ट्रॉन्स सो शेयरिंग होती है चार इलेक्ट्रॉन्स की तो, तो दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है सो मेनली दम्पाउंडस फॉन्ड बाई कार्बन फैमिली आर कोवलेंट इन नेचर जो हैवियर मेंबर्स होंगे वो प्लस टू ऑक्सीडेशन शो आ, शो करेंगे ड्यू टू तो इन पेयर इफेक्ट और जैसे जर्मीनियम से लेड की तरफ जाएंगे तो ये जो पॉसिबिलिटी है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की इट विल इंक्रीज नेक्स्ट इज कार्बन कैनोट एक्सीड इट्स कोवेलेंस मोर देन फोर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर पाता बिकॉज इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है एज दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो अपनी जो कोवेलेंसी है वो इंक्रीज कर सकते हैं बट कार्बन के केस में ऐसा नहीं होगा सो दैट इज दिस इज ऑल्सो लीड्स टू अनवियर ऑफ कार्बन कार्बन अपने बाकी फैमिली मेंबर्स से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है न, वो फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन ये ऑक्साइड्स बनाते हैं कार्बन फैमिली के मेंबर्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड टू टाइप ऑफ ऑक्साइड देखने को मिलते हैं एक तो मोनो ऑक्साइड होंगे और एक डाई ऑक्साइड होंगे डाइऑक्साइड्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जर्मेनियम डाइऑक्साइड्स, दे आर एसिडिक इन नेचर वेयर एज टेन एंड लेड ऑक्साइड्स जो होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे एम्फोटेरिक का आपको पता है बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर मोनोऑक्साइड्स की बात करें दैट इज एमओ तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जर्मेनियम मोनोऑक्साइड कार्बन वाला न्यूट्रल होगा कार्बन मोनोक्साइड जर्मेनियम ऑक्साइड इज एसिडिक वेरस्टेन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। सिलिकॉन ऑक्साइड इसमें नहीं लिखा बिकॉज सिलिकॉन ऑक्साइड जो है इट ओनली एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता नेक्स्ट इज रियक्टिविटी टूवर्ड्स वॉटर कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम वो इतना इफेक्ट नहीं करते वाटर की प्रेजेंस से वेर जब सिलिकॉन को स्टीम पास की जाएगी सिलिकॉन uh, के ऊपर से देन इट विल ब्रेक इनटू सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड डायहाइड्रोजन तो ये आप देख सकते हो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और डायहाइड्रोजन में ये ब्रेक कर जाएगा लेड uh, की बात करें वो भी अन रहता है वाटर से ओनली सिलिकॉन टिन जो है वो रिएक्ट करेगा बाकी जो एलिमेंट्स हैं लेड कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम वो अन रहेंगे लेड क्यों नहीं रिएक्ट करेगा बिकॉज रेड के लेड के ऊपर ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है ऑक्साइड लेयर बन जाती है एक उसके कारण ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजेंस कार्बन के अलावा बाकी सभी मेंबर्स जो हैं हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और हेलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं टू टाइप्स ऑफ आर सीन एक तो एम एक्स टू और एक एम एक्स फोर एम एक्स फोर जो होंगे ऑब्वियसली फोर एटम्स शेयर करेंगे कोवलेंट इन नेचर होंगे जो स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल होगा बिकॉज जो सेंट्रल एटम है वो एसपी थ्री हाइब्रिडाइज होता है इसमें ठीक है सीसीएल फोर के अलावा बाकी सभी जो टेट्रा क्लोराइड होंगे वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे हाइड्रोलाइज मीन वाटर के साथ रिएक्शन देंगे क्योंकि सेंट्रल एटम जो है वो लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी है तो वो असेप्ट कर सकते हैं लोन पेयर्स लेकिन कार्बन के पास वी ऑल नो डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो इट मींस दे कैन असेप्ट एक्सेप्ट लोन ऑफ अदर एटम्स सो इन दिस रिएक्शन यू कैन क्लियरली सी दैट सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है वो वॉटर के साथ रिएक्ट करेगा और एक एच और सी एल ये रिमूव हो जाएंगे और इसकी जगह पर ओ OH एच जो है वो बॉन्ड बना लेगा नेक्स्ट फर्दर जब थ्री वाटर्स के साथ रिएक्ट रिएक्ट करेंगे थ्री एच सी एल रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास सभी सीएल जो है वो ओ OH एच ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की बात करें अनोमलस बिहेवियर की अगर बात करें तो वी ऑल नो कि जो फर्स्ट मेंबर होता है वो डिफर करता है अपने बाकी फैमिली मेंबर से इट इज बिकॉज ऑफ क्योंकि कार्बन यहाँ पर डिफर करेगा बाकी मेंबर से अनॉमललस बिहेवियर शो करेगा कार्बन बिकॉज कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर इट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज कार्बन का साइज स्मॉल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंड थेरेपी की जो वैल्यूज होती हैं, वो बहुत हाई होती हैं और अन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते कार्बन में ठीक है नेक्स्ट एक और रीजन है कि रीजन uh, नहीं ये एक इफेक्ट है कि एक्सटेंड नहीं कर पाता कार्बन अपनी को बैलेंस मोर देन फोर ठीक है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होती है. कार्बन पी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बहुत अच्छे से बना लेता है अपने खुद के साथ कार्बन कार्बन में भी ये बॉन्ड बन जाता है और दूसरे जो एटम्स हैं जिनका साइज स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उनके साथ भी मल्टीपल बॉन्डिंग देखने को मिलती है फॉर एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ नाइट्राइल में सी ट्रिपल बॉन्ड एन एन देखने को मिलता है तो कार्बन कैन फॉर्म पी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स लेकिन दूसरे जो हैं हैवियर एलिमेंट्स वो नहीं बना पाते इतने इफेक्टिव पी पाई पी पाई बॉन्ड्स क्योंकि अटोमिक ऑर्बिटल्स जो हैवियर एटम्स में होते हैं उनका साइज लार्ज हो जाता है तो इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती तो जो बॉन्ड जो पी पाई पी पाई बनते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते तो हैवियर एलिमेंट्स में इट कैनोट बी सीन तो नेक्स्ट दिस इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंथ में भी आपने की होगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी इसे बोलते हैं कार्बन के पास ये टेंडेंसी होती है कार्बन एटम्स हैव टेंडेंसी टू लिंक विद वन अनदर थ्रू बॉन्ड्स टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स कार्बन के जो एटम होते हैं वो खुद कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं जिससे लॉन्गर सो मेनी लॉन्ग चेन्स बनती हैं रिंग्स भी बनती हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनका साइज भी स्मॉल है तो ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव होती है तो दिस इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी दूसरे मेंबर्स में भी इसकी फैमिली मेंबर्स में देखने को मिलते हैं लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती तो जो टेंडेंसी और अबिलिटी है कैटिनेशन की वो डिक्रीज कर जाती है काफी हद तक लेकिन कार्बन में कैटिनेशन इज एट इट्स बेस्ट तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन में ज्यादा देखने को मिलती है so